हेलो फ्रेंड, ये अपने पास एचपी का लैपटॉप आया है। कस्टमर ने बोला है कि ये थोड़े टाइम में ऑफ हो जाता है, थोड़ा टाइम चलता है और सीधा बंद हो जाता है। तो एक बार चेक कर देते क्या इश्यू आ रहा है इसमें। स्टार्ट किया है मैंने तो यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट होने के बाद इंटरफेस आया है, वहाँ पे देखो सिस्टम फैन एरर दिखा रहा है। देखो सिस्टम फैन एरर और ऑफ हो गया। देखो फिर से एक बार स्टार्ट कर देते, ये स्टार्ट हो गया फिर से। ये यहाँ पे देखो फिर से फैन एरर का दे रहा है, मतलब इसका कुछ फ़ैन का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो ऑफ़ हो रहा है बार बार। अभी फिर से ऑफ़ हो गया तो एक बार ओपन करके चेक कर देते क्या इश्यू है इसमें। बैक पैनल खोल के अभी चेक करते हैं। ये अभी अपना लैपटॉप ओपन हुआ है, देखो अभी कोई भी पार्ट निकालना है लगाना है एक सिस्टम में तो बैटरी रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो आपका लैपटॉप शॉर्ट हो जाएगा या कुछ तो प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले बैटरी रिमूव कर दिया है। ये देखो फ़ैन सही से घूम नहीं रहा है, स्पिन नहीं हो रहा, अटक रहा है कहाँ पे, तो उसकी वजह से वो एरर दे रहा था। अभी वो फ़ैन निकाला है, अभी ये नया फ़ैन लगा के चेक कर दे। ये देखो न्यू फैन, ये आसानी से घूम रहा है। ये देखो स्मूथ चल रहा है। तो अभी स्टार्ट करके चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगा, स्टार्ट हो गए। अभी जो वहाँ पे बैट फैन का एरर आ रहा था कि सिस्टम फैन एरर करके, वो अभी चला गया। ये देखो अभी बूट में भी जा रहा है। बहुत दिनों से बंद था तो इसकी वजह से वो बूटिंग के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, कस्टमर ने ऐसे ही रखा था। ये देखो बूटिंग हो रहा है अभी। ये देखो बूट भी हो गया, अभी तक वो ऑफ नहीं हुआ है बीच में, तो ये फ़ैन का ही इशू था, उसकी वजह से वो बार बार बंद हो रहा था। तो अभी नया फ़ैन लगाने के बाद वो अभी चल रहा है, मतलब फ़ैन का इशू था तो हमने सॉल्व कर दिया। अभी फ़ैन का इशू की वजह से ऑफ हो रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखो अभी तक चल रहा है।